नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कानपुर मास्टरमाइंड विकास दुबे को आज एनकाउंटर में उस दौरान मार दिया गया जब यूपी एसटीएफ की टीम उसको उज्जैन से लेकर लखनऊ जा रही थी और रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसी दौरान विकास दुबे भागने का प्रयास कर रहा था, तभी उसको मार दिया गया। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता रमन गुप्ता ने इसका जायजा लिया। कानपुर के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर कर दिया गया है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं कानपुर के हैलेट अस्पताल में, जहाँ पर वो पुलिसकर्मी भी लाए गए हैं जिनके मुठभेड़ विकास दुबे के साथ हुई थी। उज्जैन से कानपुर जब लाया जा रहा था विकास दुबे को, तो रास्ते में गाड़ी पलट जाती है और पुलिसकर्मियों पर पुलिस की पिस्टल से विकास दुबे हमला कर देता है। तभी एसटीएफ के जवानों ने वहीं पर विकास दुबे को ढेर कर दिया और जो 3 लोग पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में जख्मी हुए हैं, जिनको इसी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल विपक्षी दल उठा रहे हैं कि किस नेक्सस को दबाने का प्रयास यूपी पुलिस कर रही थी, यूपी एसटीएफ कर रही थी, या किसके इशारे पर उसका काउंटर किया गया, क्योंकि कई बड़े राज को खोलने वाला था, कई सफेदपोशों के नाम लेने वाला था। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि विकास दुबे की एक रहस्यमय तरीके से गिरफ्तारी होती है उज्जैन में और फिर जब रास्ते में गाड़ी पलट जाती है उसी दौरान उसके साथ मुठभेड़ भी हो जाती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब देखना ये होगा कि आगे कैसे पढ़ते दर पढ़ते इस पूरे मामले में खुलासा होता है। कानपुर से कैमरामैन नौशाद।